Dear students, today we discuss question number 3 of the exercise 2.2 of chapter polynomials of 9th class. Now, first understand the question. Verify whether the following are zeros of the polynomial indicated against them. हमारे पास polynomials given है और उनके against x के values है. हमें यहाँ पे इस question में देखना है जो इस polynomial के against x के values है क्या वो इन polynomials के zeros है, ये हमें देखना है. इस question को करने से पहले आप थोड़ा डेफिनेशन ऑफ जीरोज ऑफ पॉलीनोमियल ध्यान में लाए. जीरोज ऑफ पॉलीनोमियल इफ एक्स इज इक्वल टू ए इज जीरो ऑफ पॉलीनोमियल. एक्स इक्वल टू ए इज जीरो ऑफ पॉलीनोमियल इफ डेफिनेशन में पी ऑफ ए इक्वल टू जीरो. जब हमारे पास उस वक्त पॉलीनोमियल वैल्यू एट एक्स इक्वल टू दैट पर्टिकुलर वैल्यू बिकम जीरो, तब जाके हमारे पास वो इसका जीरो होता है. नाउ सी वी हैव हियर पॉलीनोमियल पी एक्स इक्वल टू दिस एंड एक्स का वैल्यू गिवन है. वी हैव टू सी हियर वेदर द वैल्यू ऑफ एक्स इज जीरो आर नॉट. अब अगर ये पी ऑफ ए जीरो के बराबर नहीं है तब जाके तो ये जीरो नहीं है. सी हियर सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट का. वी हैव हमारे पास क्या है पी एक्स इज इक्वल टू 3x+1. नाउ पी ऑफ -1/3 हमने x का वैल्यू ले लिया -1/3. इट इज इक्वल दैट इज 3 रिप्लेस x बाय -1/3 -1/3 प्लस 3 and 3 will go. It becomes here -1/1 that is equal to 0. Clearly we have P of -1/3 equal to 0. अब क्या होगा? Therefore x is equal to -1/3 is 0 of px. ये हो गया first part. Now taking a second part in similar manner, we have सोल्यूशन हमारे पास है. वी हैव पी ऑफ एक्स इट इज इक्वल टू एल एक्स प्लस एम. हमें एक्स के वैल्यू किस वैल्यू पे -m/l पे देखना है वेदर दिस इज जीरो ऑफ पॉलीनोमियल आर नॉट. ये हमें देखना है क्या है इसका जीरो है. पहले हम इसको यहां पे पॉलीनोमियल में सब्स्टिट्यूट कर लेंगे. दैट इज देयरफॉर पी ऑफ रिप्लेस एक्स बाय -m/l दैट इज इक्वल टू ये यहां डाल दैट इज l इंटू एक्स का वैल्यू है -m/l प्लस m. l एंड l कैंस यहां पे -m+m इट बिकम जीरो. यहां पे भी पॉलीनोमियल वैल्यू आ गया जीरो एट x इक्वल टू -m/l. देयर दिस इंप्लाइज अस दिस इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू -m/l इज जीरो ऑफ पी एक्स. यहां पे भी ये जीरो. लास्ट पार्ट जो है यहां पे थर्ड पार्ट पी ऑफ एक्स इक्वल टू 3x²-1. यहां पे दो एक्स के दो वैल्यूज हैं. पहले इस पे देखना है फिर उस पे देखना है. एक पे देखेंगे दूसरा आप खुद देख सकते हैं. यहां पे हमारे पास पॉलीनोमियल हियर वी हैव पॉलीनोमियल क्या है हमारे पास पी एक्स इज इक्वल टू पी एक्स हमारे पास है 3x²-1. देयरफॉर पी ऑफ अब हमें इस वैल्यू पे देख लेंगे एक्स इक्वल टू -1/√3. पी ऑफ एक्स का वैल्यू हम देंगे -1/√3 दैट इज इक्वल 3 इंटू एक्स का वैल्यू हमें देना है -1/√3² -1. इस स्क्वायर से माइनस पॉजिटिव होगा प्लस होगा दैट इज 3 इंटू इट बिकम्स पॉजिटिव 1² इज 1 √3² इज 3 -1 बिकॉज
अंडर रूट ए होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट ए होल स्क्वायर इक्वल टू ए, रिमेंबर दिस। यहां पे थ्री एंड थ्री विल गो, इट बिकम सिंपली दिस इज इक्वल टू वन माइनस वन, इट इज इक्वल टू जीरो। यहां पे भी ये जीरो आ गया, देयर फोर एक्स इक्वल टू माइनस वन बाई रूट थ्री, एक्स इक्वल टू देयर फोर एक्स इक्वल टू माइनस वन बाई रूट थ्री इज जीरो ऑफ, जीरो ऑफ पी एक्स। इस तरह इसका आंसर आ गया। इसी तरह जब आप एक्स इक्वल टू टू बाई रूट थ्री इसमें डाल देंगे, यू विल गेट whether this is zero or not. Thank you.